हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोटेक ट्यूटोरियल्स। आज हम डिस्कस करेंगे एलाइजा। फर्स्ट ऑफ ऑल, एलाइजा की फुल फॉर्म क्या होती है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। एलाइजा एक इम्यूनोलॉजिकल एसे है। ये तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। हम एलाइजा यूज किस लिए करते हैं? इसकी हेल्प से हम मेजर कर सकते हैं एंटीजन्स को, एंटीबॉडीज को, प्रोटीन्स को, पेप्टाइड्स को और ग्लाइकोप्रोटीन्स को जो प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड में, कितने अमाउंट में है, ये सब हम मेजर कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू मेजर एंटीबॉडीज, एंटीजेंस, प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स इन द ब्लड। और इसको डिस्कवर किसने किया था? सबसे पहले एंगवॉल एंड पर्लमैन इन 1971। एंगवॉल एंड पर्लमैन इन 1971। इसमें जो हम एंजाइम सिलेक्ट करते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करता है वो मैं आगे आपको इसके प्रिंसिपल में बताऊंगी। बट अभी एक चीज़ आप ध्यान रखिए, ये जो हमारा जो एंजाइम हम इसमें यूज़ करते हैं वो किस बेसिस पे हम सिलेक्ट करते हैं कि जब हम सब्सट्रेट डालें तो वो हमें कलर्ड प्रोडक्ट, या फिर हम कह सकते हैं वो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करें, ठीक है। द एंजाइम आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी to catalyze the conversion of substrate into colored product. अब इसका principle, इसका प्रिंसिपल क्या है? इसमें जो एंटीजन है वो सॉलिड सरफेस पे इमोबिलाइज होता है, मतलब सॉलिड सरफेस के साथ बाइंड होता है। तो जो एंटीजन है वो इमोबिलाइज होता है टू सॉलिड सरफेस, और इसकी और ये हम डायरेक्टली या फिर कैप्चर एंटीबॉडी को इमोबिलाइज करके भी हम कर सकते हैं ये प्रोसीजर, ठीक है। अब इसमें एक मैं आपको फिगर की हेल्प से समझाती हूँ एक्चुअल में इसमें हो क्या रहा है। जनरल अभी मैंने बोला कि ये डायरेक्टली या फिर कैप्चर एंटीबॉडी अगर हम इमोबिलाइज कर दें सर्फेस के तो उसकी हेल्प से होता है। अब क्या है, सपोज ये है हमारी कैप्चर एंटीबॉडी, ये है कैप्चर एंटीबॉडी, ठीक है। अब इसने एक एंटीजन के साथ, ये एंटीजन है हमारा, इसके साथ फॉर्म कर लिया एक कॉम्प्लेक्स। अब हम जब दूसरा एंटीबॉडी डालेंगे इसको हम बोलेंगे डिटेक्शन एंटीबॉडी, ठीक है।
जब हम ये ऐड करेंगे, और ये किसके साथ कॉन्जुगेट होता है, ये कॉन्जुगेट होता है फ्लोरोफोर के साथ, ठीक है, ये होता है हमारा फ्लोरोफोर। जब हम, अब मैंने आपको बताया कि जब हम सबस्ट्रेट ऐड करते हैं तो कलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो जब हम सबस्ट्रेट ऐड करेंगे तो ये क्या करेगा, फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करेगा। सबस्ट्रेट ऐड किया तो यहाँ से हमें फ्लोरोसेंस मिला, वो मिला हमें इसकी हेल्प से। ठीक है, तो ये तो जनरलाइज्ड मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया इसका। अब इसके एडवांटेजेस, पहला एडवांटेज क्या है कि ये हाईली सेंसिटिव है और स्पेसिफिक है। नेक्स्ट है, इट इज इजी टू परफॉर्म, मतलब इसमें जो हम प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, एक तो इजी है और उसमें आपको ज़्यादा मतलब टाइम की भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, और ये एक क्वांटिटेटिव मेथड है, मतलब हम ये तो देख सकते हैं कि ये कलर प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं, बट हम एक इसका एलाइजा डिटेक्टर इंस्ट्रूमेंट आता है उसकी हेल्प से हम मेजर भी कर सकते हैं कि क्या क्वांटिटी है। ठीक है, कि कंट के जो एंटीजन यूज़ हो रहा है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, हम वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमें एक पर्टिकुलर, अगर कोई डिसीज़ है, अगर हम उसको एग्जामिन मतलब उसका लेवल या कुछ फाइंड आउट करना चाहें तो वो हमें एक्यूरेट बताता है, तो मतलब एक्यूरेसी भी है इसकी। और ये एक रैपिड टेस्ट है और यील्ड भी हमें, मतलब प्रोडक्ट भी हमें जल्दी मिल जाता है, जैसा रैपिड टेस्ट। अब इसकी एप्लीकेशंस, ये कहाँ कहाँ यूज होता है। एक तो हम इसकी हेल्प से सीरम एंटीबॉडी कंसंट्रेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यूज टू डिटरमाइन सीरम एंटीबॉडी कंसंट्रेशन। नेक्स्ट, ये फूड इंडस्ट्री में यूज होता है, कब जो कोई भी अगर फूड एलर्जेंस होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए इसको हम फूड इंडस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं, यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री। टू डिटेक्ट एनी फूड एलर्जन, थर्ड इसको हम HIV स्क्रीनिंग के लिए भी यूज करते हैं, यूज्ड फॉर HIV स्क्रीनिंग। फोर्थ, इसको हम बहुत सारे मतलब वेरियस काइंड्स ऑफ डिसीज को डिटेक्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, इनके डिटेक्शन में भी एलाइजा काम आता है। यूज टू डिटेक्ट वेरियस काइंड्स ऑफ डिसीजेस। और लास्ट है, जैसे अभी ये COVID-19 आउटब्रेक हुआ है तो इसमें जो रैपिड किट टेस्ट है, आपने सुना होगा हम एंटीजन टेस्ट बोलते हैं, वो भी एलाइजा किट ही यूज होती है उसमें भी।
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यूज्ड टू इवैल्यूएट द स्प्रेड ऑफ डिजीज, दैट इज COVID-19 आउटब्रेक रैपिड किट्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज इन ब्लड सैंपल। That's all in this video. Next video में मैं आपको इसके types के बारे में बताऊँगी, ठीक है। अगर आपको इससे related कोई भी doubt हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये video पसंद आया तो इसे like और share ज़रूर कीजिएगा और हमारे channel को subscribe कीजिएगा। Thank you.